God! नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वो सब हो रहा है और जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान की तस्वीरों को बयान कर रही हैं। हिंदुओं के संत साधुओं के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा रहे हैं, तो कहीं हिंदुओं की बहन बेटियों की बेआबरू इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ये उस बांग्लादेश में हो रहा है जहां कभी हिंदुओं के मंदिरों के सामने उस वक्त की प्रधानमंत्री खड़े हुआ करती थी और हिंदू और मुस्लिम एकता का संदेश देती थी, लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ मानो हिंदुओं के लिए पल पल मौत के बराबर हो गया। आज हम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो क्रुएल्टी हो रही है उसी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। इसको लेकर भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से पत्र लिखकर जवाब भी मांगा, लेकिन यूनुस सरकार ने इसे अंदरूनी मामला बताकर रफा दफा करने की पूरी कोशिश की। बांग्लादेश सरकार के इस कदम की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, वहीं भारत हिंदुओं के खतरे पर टेंशन में है, परेशान है। इसी पर आधारित देखिए न्यूज इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने चटगांव में पुंडरीक धाम के चीफ चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांग कर रहे धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी तोड़फोड़, देवी देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले सामने आए हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। वहीं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने इसे अपना घरेलू मामला बताया है। बांग्लादेश की सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मुकदमा थोपते हुए 19 हिंदू नेताओं को घेरने की साजिश की है। मोहम्मद यूनुस की सरकार जहां एक ओर हिंदू समुदाय के खिलाफ हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू नेताओं पर ही मुकदमा कायम करना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से हो रही इस ज्यादती के विरोध में बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। हिंदू नेताओं पर बांग्लादेश सरकार के इस कदम के खिलाफ चटगांव की सड़कों पर 30,000 से ज्यादा हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े धार्मिक चेहरे और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की राजद्रोह में गिरफ्तारी के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। इसके बाद इस्कॉन पर बैन के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी पर कोर्ट में जवाब देते हुए बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन कहा है। कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पूरी दुनिया में आलोचना झेल रही है। 5 अगस्त के बाद से ही हिंदू मंदिर और उनके कार्यक्रमों को मुस्लिम कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं, लेकिन यूनुस की सरकार इस हमले को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। दाँगा।
उल्टा इस सरकार ने अब हिंदू धर्म गुरुओं पर मुकदमे शुरू कर दिए हैं। इससे जाहिर होता है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं के संरक्षण को लेकर कितनी फिक्रमंद है। बता दें कि बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के नेता चिन्मय कृष्ण दास 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर हमले के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में सबसे आगे रहे हैं। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्कॉन कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है और अंतरिम सरकार ने इसकी छानबीन शुरू कर दी है। अगर इस तरह का कुछ कहा गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि इस्कॉन एक सबसे बड़ी एक संस्था है विश्व में, जो अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए और जो हम लोग सेवा करते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे संस्था के ऊपर में उंगली उठाना बिना किसी तथ्य के इलॉजिकल बात कहना, यह बहुत ही दुखद है। एक के बाद एक खराब न्यूज आ रही है बांग्लादेश से। कल रात में भी काफी तांडव चला, कई जगहों में अटैक्स हुए हैं, तो ये सारा चीज बहुत ही चिंता का विषय है। इसको लेके हम लोग बहुत ही दुखी हैं। चिन्मय कृष्ण दास को जब अरेस्ट किया गया था तो हमें पता है कि जब वो कोर्ट में आए थे तो वो बता रहे थे कि मेरे को खाना अलाउ नहीं किया। जो हमारे इस्कॉन के भक्त या जो भी वैष्णव होते हैं वो लोग सिर्फ प्रसाद खाते हैं, मतलब जो भी बनाते हैं उसको पहले भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। तो कल सुनने में आया कि कल शाम को पुलिस ने अलाउ किया उनको जेल में खाना ले जाने के लिए, तो हम आशा करते हैं कि वो प्रसाद पाएंगे। दरअसल मंगलवार को चिन्मय कृष्णदास को चटगांव के 6 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम की अदालत के सामने पेश किया गया था। कोर्ट ने चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। आरोप है कि इस्कॉन समर्थकों की भीड़ ने इस दौरान हिंसा की, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और फिर चिन्मय दास को जेल ले जाया गया। गिरफ्तारी को लेकर भारत सरकार ने चिंता जाहिर की है, साथ ही बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग भी की है। इस पर बांग्लादेश सरकार का कहना है कि चिन्मय दास को धार्मिक लीडर के तौर पर नहीं बल्कि राजद्रोह के चलते गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश सरकार के इस रुख पर भारत का क्या रुख रहता है? मोदी सरकार इस मामले को यही छोड़कर आगे बढ़ती है या फिर बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेती है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश दोस्त से दुश्मन बन गया, ये रिपोर्ट देखिए। चिन्मय कृष्ण दास वो नाम है जो आजकल बांग्लादेश की मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। इस साल जुलाई में बांग्लादेश के युवा सड़कों पर उतर गए थे। युवा बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार की आरक्षण नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके दबाव में शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी थी। इसमें हिंदू और हिंदुओं की संपत्तियों को निशाना बनाया गया। इसके बाद से चिन्मय दास बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों और उनके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 4 महीनों में 38 साल के चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश में एक जाना पहचाना नाम बन गए हैं। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुमोटो से आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।
यह आदेश तब दिया गया जब कोर्ट को सूचित किया गया था कि संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए हैं। बांग्लादेश की कोर्ट में आज की कार्यवाही के दौरान अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने जस्टिस फराह महबूब और न्यायमूर्ति देवाशीष रॉय चौधरी की पीठ के सामने जानकारी दी। पीठ ने बांग्लादेश सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बांग्लादेश के लोगों की जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सतर्क रहेगी, लेकिन इसको लेकर भारत के अंदर कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत में संतों ने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस्कॉन के पुजारियों का काम है कि भगवान की भक्ति करना और उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। शांति और सुख लोग अपने जीवन में अपना सके, तो वैसे ही बांग्लादेश में इस्कॉन के 120 के ऊपर सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, मंदिर हैं, और लगभग 75,000 से 1,00,000 के बीच भक्त लोग भी वहाँ पर जो है जो पूरी तरह अध्ययन करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस्कॉन बांग्लादेश गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत एक लीडिंग सनातनी संस्था है, प्रमुख सनातनी संस्था है, और इसलिए ये हर प्रकार के समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, उन सभी माइनॉरिटीज जितने भी बांग्लादेश में हैं, उनके धार्मिक अधिकार और उनके धार्मिक स्वतंत्रता उनको संरक्षण देने के लिए कर्तव्यबद्ध है। वहीं ढाका में आयोजित एक रैली में छात्र संगठन के मुख्य आयोजक अब्दुल हन्नान मसूद ने आरोप लगाया कि इस्कॉन आवामी लीग की मुखिया शेख हसीना के इशारे पर बांग्लादेश में भारत के एजेंडे को लागू करने का काम कर रहा है। मसूद ने आगे कहा, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का उनका प्लान कभी सफल नहीं होगा। अब इस षड्यंत्र को चुप रहकर नहीं सहा जाएगा। अब भी आवामी लीग के लोग कई जगह पर छिपे बैठे हैं और देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि वो जहां भी मिल जाएंगे लोग उन्हें पीटेंगे और फिर उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। बांग्लादेश में इस्कॉन के हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बयान देते हुए रिहाई की मांग की है। शेख हसीना ने कहा है कि चिन्मय कृष्णदास को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से धार्मिक और जाति अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की मांग की है। वहीं बंगाल के संतों ने कहा कि भारत सरकार हिंदुओं की रक्षा करे और इस मामले में हस्तक्षेप करे। मुझे दुख है कि बांग्लादेश जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथियों से दबा हुआ है, उनसे घिरता जा रहा है, और वहाँ पर नागरिकों के अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता, इस सबको कुचला जा रहा है। आज तो वहाँ काली मंदिर पे भी हमला हुआ है। इसको कौन एक प्रेम फैलाने वाला संगठन है? कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर के, भक्त होकर के सड़कों पर नाचना, यही उनका सत्य है, यही हम सब ने देखा। वहीं चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश के हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। बांग्लादेश में हिंदू संगठन अलायंस के मुखिया मृत्युंजय कुमार ने कहा कि हमारा काम सरकार को गिराना नहीं था, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन चिन्मय दास की जो गिरफ्तारी की गई है वो गलत है। लेकिन बांग्लादेश में ही हंगामा नहीं मचा, ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ममता ने कहा है कि केंद्र सरकार जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर हस्तक्षेप करे। रिवॉल्यूशन जमा के साथ यह कहना है कि चिन्मय कृष्ण प्रभु को रिहाई करना है, हिंदू ऐक्य, हिंदू का संपत्ति, हिंदू का निरापत्ता सेखने ठीक ठाक करना है, यही बोल रहा है। आश्वासन तो उद्धतन कर्तृपक्ष के पास ये आश्वासन पहुंच रहा है, यही बोला है। महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश दोस्त से दुश्मन बनता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं, कभी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कभी दुर्गा पूजा मनाने से रोका जा रहा है, तो अब
हिंदुओं को हिंसा की आग में झुलसाया जा रहा है। मगर अब भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अहम बैठक की है। इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बातचीत हुई है और रणनीति बनी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोपहर को पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच कुछ देर तक इस मसले पर बातचीत होती रही। इस दौरान संसद सत्र को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर सरकार से जवाब लेने के लिए हंगामा कर रहा है। वही सरकारी सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी और एस जयशंकर के बीच ये बात हुई कि अगर सदन चलता है तो सरकार बांग्लादेश मामले पर सदन में बयान देने को तैयार है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है। सूत्रों ने बताया कि अगर संसद के दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से चलता रहा तो जयशंकर जल्द ही इस मामले पर बयान देंगे। बहरहाल बांग्लादेश स्कॉर ने दास को सभी पदों से हटाने की भी जानकारी दी है। स्कॉर ने कहा है कि उनकी कार्यशैली को संस्था से ना जोड़ा जाए। चिन्मय कृष्ण दास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में हिंदू धर्म गुरुओं और पुजारियों में गुस्सा है और भारत सरकार मामले में अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले यूनुस आखिर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन क्यों हैं? ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। क्या यूनुस का सबसे बड़ा एजेंडा यही था, हिंदुओं को परेशान करना? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर देश के साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। इसी बीच सियासी गलियारों में भी इसी पर खूब हल्ला हो रहा है। हिंदुओं की संवेदनाओं को समझने और उनकी मदद करने के बजाय नेता जमकर राजनीति कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि राजनीति कहां की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर भारत के साधु संतों ने खासी नाराजगी जाहिर की है। तेलंगाना के चिलकुर बालाजी मंदिर में सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भी दुख व्यक्त किया गया। उधर वृंदावन में भी साधु संतों ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बांग्लादेश को नसीहत देते हुए बताया कि बांग्लादेश भारत का ही अंग है, इसलिए बंटने और बांटने का काम ना करें, सभी को मिलकर साथ रहना चाहिए। जिस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हम अक्सर माइनॉरिटी की बात करते हैं, मेजॉरिटी नहीं, और जहां मेजॉरिटी से कुछ लोग होते हैं वहां हम ऐसे देखते हैं कि वहां बट्टे भी हैं और कट्टे भी हैं। इसलिए वर्तमान के जो मुद्दा है बांग्लादेश का, इस समय में हमने टीवी माध्यम से ये भी सुना था कि इस्लामी देश होने वाला है, ये भूले नहीं, ये भारत का हिस्सा है। आप भी हमारे भाई कभी थे, हम भी भाई आपके थे, अंग संस्कृति के थे, एक विचारों से चलते थे, बढ़ गए देश के आजादी के वक्त, अब ना बटे। साधु संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की है। देश में जब ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं जहां पर इस्लामिक कंट्री के लिए उसे उद्बोधन कर दिया गया है, तो इस बात पर हमारे सभी धर्मगुरुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भारतवर्ष में जो सनातनियों का वास्तव में देश है और भारतवर्ष का ही एक अंग है बांग्लादेश, जो पहले हमसे अलग कर दिया गया, जैसे हमारी बाजू काट दी गई हो,
आज उसमें विधर्मियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और सनातन धर्म पर ऐसे ऐसे आघात कर रहे हैं जो हमारे लिए बड़ी हानिकारक हैं। आज हमें चिंतन करने का, मनन करने का समय है कि हमें इन पर ऐसे उचित कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये हमारे धर्म का पहास ना उठा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल समेत कई नेताओं ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता में बांग्लादेश के उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान बीजेपी के 8 विधायकों ने बांग्लादेश के उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की। हम लोग को चिंता है हमारे हिंदू भाइयों और बहनों जिसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और स्पेशली कल चिन्मय दास प्रभु जी को जो अरेस्ट करके रखा गया है उनका निःशर्त मुक्ति चाहिए। इसी दाबी से हम लोग जा रहे और हिंदुओं को बचाना है। इस तरह का हिंदुओं वहाँ का बांग्लादेशी बांग्लादेश का संख्या लोगों के ऊपर ये अत्याचार हम लोग नहीं मानेंगे। अगर कुछ होता है हमारे चिन्मय प्रभु जी का और हमारे हिंदू भाई बहनों का, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बंगाल चुप नहीं बैठेगा, बंगाल के हिंदू चुप नहीं बैठेगा। बीजेपी नेताओं के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा निकाला। उन्होंने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में स्कॉन मंदिर से लेकर बांग्लादेश उच्चायोग तक कैंडल मार्च निकाला। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस मुद्दे को केंद्र के पाले में फेंक दिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस पर केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी वो देश का फैसला होगा, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। बांग्लादेश के लिए हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी आज दिल्ली में वो पत्रकारों को खुलकर बता दिया, ये इंटरनेशनल इशू है, ये तो बांग्लादेश अलग कंट्री है, देश है, हम लोग स्टेट है यहाँ पे, तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है उसका अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का। तो हम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेप लेंगे वही देश का स्टेप होगा। इसमें अलग से हमारा बोलने का और हमारा बंगाल का कोई अलग से कोई रोल नहीं है। लेकिन अभिषेक जी ये भी खुलकर बता दिया जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, उसको कंडेम किया उन्होंने। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की, साथ ही उन्होंने संभल पर राजनीति करने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। जो वहाँ के कार्यकारी प्रधानमंत्री है वो कट्टरपंथियों के गिरफ्त में आ गए हैं, और जिस ढंग का हिंदुओं पे पहाड़ हो रहा है ये मानवता के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, और क्योंकि केवल हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इस्कॉन के नेताओं धार्मिक गुरुओं को जेल में बंद कर देना, ये बता रहा है कि वहाँ भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी सरकार पे हावी हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी क्यों करना चाहिए, भारत सरकार क्या सोई हुई है? जिम्मेदारी भारत सरकार की है। यदि दुनिया में कहीं भी भारतीय है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? विश्व गुरु की है ना, जो सबसे शक्तिशाली है। क्यों रक्षा नहीं कर पा रही भारत सरकार? उसकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की रक्षा करे जो देश से बाहर रह रहे हैं। देश के नेता बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भी सियासत करने से बाज नहीं आए। उन्होंने इस पर भी जमकर रोटियां सेकी और एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश पर सियासत करना क्या सही है?
न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार की खबर अब पूरे दुनिया में फैल गई है। संयुक्त राज्य से इस मामले में दखलंदाजी को लेकर मांग की गई है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रुएल्टी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।